हाय प्यारे दोस्तों, एबीसीसी यानी बड़ी कैन कुक लेकर आया है डोसे और आलू की रेसिपी। और मैं एकदम परफेक्ट रेशियो के साथ आपको डोसा बनाना सिखाने वाली हूँ, जिससे क्रिस्पी डोसा आप घर पे ही बना सकते हैं। चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही बता दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। यहाँ मैंने एक मेजरिंग कप से 3 बार चावल नापे हैं और 1 बार मैंने इसमें उड़द की धुली हुई दाल ली है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड करा है और इसे वॉश करके मैंने लगभग 7 से 8 घंटे सोख करके रख दिया था। और इसके बाद जब मैंने इसे पीसा तो मैंने इसमें एक प्याज के 4 टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिया था। और मैं इसे मिक्सी में अलग अलग स्लॉट में मैं इसे पीसूंगी, एक साथ नहीं पीसेगा, थोड़े थोड़े टुकड़ों में पीसिएगा और बैटर को फ्लोइंग बैटर में रखिएगा पतला। इसके बाद आप इसे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे और फर्मेंटेशन होने के लिए मतलब आपको इसे ओवरनाइट रखना होगा, नेक्स्ट डे आप इसका डोसा बनाएंगे। प्याज के टुकड़े डालने से फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है और जब आप डोसा बनाएंगे उससे बिल्कुल थोड़ा पहले आप इसमें लगभग 4 चम्मच सूजी, रवा, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कुछ अदरक के टुकड़े और धनिया इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसको आप बैटर को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें पानी मिला के इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। अभी आपके डोसे का बैटर बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। डोसा बनाने से पहले तवे पर हल्का सा ऑयल लगा के आधी प्याज के टुकड़े को तवे पर रगड़ दीजिएगा, जिससे उसकी ग्रीसिंग बहुत अच्छी हो जाए। इससे डोसा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा। अब सफिशिएंट क्वांटिटी में डोसा का बैटर आप लीजिए और इसे तवे पर अच्छी तरह से राउंड और सर्कुलर डायरेक्शन में आप अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर दीजिए। और हम सभी डोसा खाते हैं इसीलिए हमें पता है कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए। कोशिश करिएगा ज़्यादा पतला रहे, इससे क्रिस्पी बनेगा। और तवे को फ्लेम पर हर तरह से घुमा के, चारों तरफ से घुमा के सेक लीजिएगा ताकि डोसा अच्छे तरह से सिक जाए। और जब ये क्रिस्पी हो जाएगा ना तो आपको खुद पता लगेगा, ये हल्का हल्का लाल दिखने लगेगा और आप इसे साइड से ऑयल डालकर छोड़ दीजिए तो ये एकदम अच्छी तरह से तवे से निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैं नॉनस्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास डोसे वाला तवा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद इसे हल्का सा आप दूसरी तरफ से भी सेकेंगे और फिर आप इसे दोबारा पलट देंगे और ये जब थोड़ा लाल और करारा नहीं हो जाता है इसे तवे पे आप रखे रहने दीजिए। इसके बाद आप इसे रोल करके प्लेट में सर्व करिए। इसके साथ खाए जाने वाले आलूओं की रेसिपी मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। डोसा देखिए आप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना करारा है, ये बिल्कुल मार्केट जैसा डोसा है। ये एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं आलू की तैयारी करते हैं। फ्राई आलू बनाने के लिए सबसे पहले लगभग 10 से 12 आलू उबाल लीजिएगा। फिर एक कढ़ाई में ऑयल लेके थोड़ी सी चने की दाल उसमें आप डालिएगा लगभग 1 चम्मच और 1 चम्मच राई उसमें ऐड करिएगा। चने की दाल हल्की गुलाबी होगी उस टाइम आप इसमें करी पत्ता ऐड करिएगा। और इसके बाद मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ, ये लगभग 3 प्याज हैं जिन्हें मैंने लंबा लंबा काटा है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें उबले हुए आलू जिन्हें मैंने छील के पहले से ही रेडी करा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इस मसाले को मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। उबले हुए आलू डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और इसे लो फ्लेम पर फ्राई करिए। आलूओं को भूनने के बाद इसे गार्निश करिए कटे हुए हरे धनिए से और थोड़ा सा कोकोनट, अगर आपके पास है जो पानी वाला नारियल होता है ना उसके स्लाइसेस आप इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर आपको मिलेगा। इसके साथ आप करारा डोसा सर्व करिए और नारियल की चटनी सर्व करिए। नारियल की चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, डोसा एंजॉय करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए।